अच्छा ठीक दुनिया। है। हाय हाय क्या बात सुपर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो मैंने पता कि मैं बहुत लेट हो गया इस रिएक्शन दे ली। या मेहमान कोक स्टूडियो। आई थिंक इट्स द लास्ट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो सीजन 15। बट आई हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट कि मैं क्यों लेट होया। सो एज यू ऑलरेडी नो सम ऑफ यू गाइज वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज। आई नो दैट यू विल कमेंट डाउन बिलो। सो जी अज की वीडियो है देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने पता असं बहुत लेट हो गए हैं बट लेट जो होने का कारण मैं तुम्हें ऑलरेडी दसता एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड इट्स अर्जेंट बट आई नो दैट इट्स ऑलसो अर्जेंट। सो देखते हैं आज बिना किसी देरी तक। ओके सो तीन दिन हो गई है जी सौंग आए नू 2.5 मिलियन के करीब व्यूज है। मैं थोड़ा जा कमेंट जरूर पढ़ना चाहूँगा क्योंकि आ जिहड़े नाम है ना ये नाम सारे मेरे लिए नवे हैं। मैनू इन्हां दे बारे नहीं पता ठीक है। सो मेरे पास अल्फाज नहीं स्टारशा। अच्छा ठीक है जी। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन एंड आई एम प्रीटी श्योर टू नो कंट्री कैन बीट कुछ पाकिस्तान। या वी ऑल दैट वी ऑलरेडी नो दैट। Anyone wondering if Nizam's voice has been auto-tuned? It has not tampered with. His voice is naturally gifted with this effect and he sings like that by default. Okay. A Pashtun, a Hunza Kuchi, a Kohistani singing a Urdu song. Okay. A V multilingual song hai ya log matlab wo hai unhone Urdu ch gaya. तोरवाली कालाशी खोवर शीना ग्रुप ऑफ रेयर लैंग्वेज इन हिंदू कशी मल्यास विच बिलोंग्स टू आर्यन रूट्स अवर ब्रदर सैंग इट वेरी वेल। ओके सो इन्होंने शायद इदा की लैंग्वेज है जी बड़ी पुरानी है वो यूज़ की गई है। दिस इज नोरिमाज फस्ट एवर सोंग एंड लुक एट हर कॉन्फिडेंस सिंगिंग लाइक शी इज़ द मोस्ट सीनियर वन इन दिस सोंग नोरमा। ओके कुक स्टूडियो ने रिप्लाई किया कुडंट एग्री मोर। ओके ओके डेब्यू सिंगर है कोई। सो लेट्स वेज वॉच यार मेरे तो जड़ा इंतजार नहीं हो रहा। आ जाओ कुक स्टूडियो सीजन 15। सीजन 15 ये बड़ा ओल्ड कल्चर जब ना किला किला टाइप है। ओके मेहमान या तुनु इसे आसने आगेश देखो इट्स इम्प्रेसिंग पिछे वो कोक स्टूडियो ना उहदे चो इम्बेड हो रहा है बाहर आ रहा है कंध चो एंड इट्स लाइक एक पुराने जिवें राजे महाराजा के महल हुंदे सी एक वड्डा सारा वो हुंदा सीगा वेड़ा उहदे विचाले स्विमिंग पूल हुंदा सी जी चो नहाउंदे सी। हुण इह नहाउण वाला जिहा की है पर इन्होंने पुराना दिखाया कि पुरानी चीज़ आओ जो जिहड़ा उन्होंने लिखिया कि आर्यन रूट्स है कितें वो इन्होंने लैंग्वेज के जरिए वो चीज़ दिखाने की कोशिश तो नहीं की। आई डोंट नो अबाउट दैट बट इट मेक सेंस लैंग्वेज का समझ तो बाहर है की है। अच्छा इस मुंडे की वो गल कर रही थी कि आटो ट्यून नहीं है आटो ट्यून लग रहा है बट वो कह रही थी आटो ट्यून नहीं। Я тонуюсь я смергешь деко без обана не кете сремазет киду мина я тон о вау найс бит мен. अच्छा ठीक है। तेरा एहसास है तेरी याद नहीं रुम रुम झुम इस खटा की तरह मेहमान हूँ तेरा सामान नहीं। ओ सुपर सालों में पिरो के राहतों को खो के बीते हुए आ
इट्स अ न्यू गर्ल। अच्छा दो गुड़िया के मुंडा है जड़ा मुंडा गा रहा है ना, मैनू अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बट इदा लग रहा है कि वह परफेक्ट है यार, वो जो भी गा रहा है इट्स अ परफेक्ट एंड वह कुछ ना कुछ चीज़ न कनैक्ट कर रहा, आई डोंट नो की है बट है कुछ। मेहमान हूँ वीरान नहीं हूँ, मेहमान हूँ सामान नहीं हूँ। छोटी छोटी ख्वाहिशें गुनगुन, आई थिंक नोरिमा है गुड़िया जिदा कॉन्फिडेंस की गल कर रही है। सजाती है ये दुनिया, बरगोबार के आंगन में मुस्कुराती है, गुल खिलाती है ये दुनिया। Okay, she is confident. I think it's she is Gen Z. Okay, that's why oda jo confidence hai na wo peak te hai. Hairaton ki nagari ye duniya. Ye duniya. Super, super, yaar. I want to. हैरतों की नगरी ये दुनिया, ये दुनिया। सालों में पीरो के राहतों को खो के पीते हुए आंसुओं की यारी अजब कहानियों की मैं हमरा। ढूंढो चाहे जितना भी अपने जहां में, मिलूंगी कहां मैं तो हूँ आसमां में। चली चली मैं हमरा। एक एक कनैक्शन आया। आप सारे सुन रहे हैं ना वाला साउंड, ठीक है। तुम इंटरस्टैलर फिल्म देखी होनी है, तुम होर फिल्म देखी होनी है, तो वो ना जो आप स्पेस के जाते हैं ना तो स्पेस के एक साउंड होंगे, हालांकि वह साउंड नहीं होंगे जो आप फिल्मों सुनते हैं जो हूँ सुन रहे हैं, पर वो ना रीप्रजेंट करता उस चीज़ को। मैं मतलब कि जो मैं साउंड सुन रहा ना मैं वो फिल्मों की याद आ गई, हालांकि जो गाना स्टार्ट होया उदा का सैट देख के वो वैब सीरीज़ वाला एंगल आन दिया हूँ की है हूँ एक नवी चीज़ दिखाने लगे है कि इस दीवार तो उधर की है रोशनी आ रही है लाइट आ रही है कुछ देखते हैं की है अगे, बट आ जो साउंड है ना ये मैनूदे रिलेट मतलब कर रहा है। मज़ा आ गया यार। Okay, into another world or maybe something different. Mm-hmm.
इट्स 3D चाहतों के भी तो रास्ते कई हैं दिल की नजर ओके गूज़बम्स था ये मैं एंड ते गल करूंगा ठीक है बोले तुम भी हमी हो हम भी तुम ही हैं स्पीचलेस यार मतलब क्या क्रिएटिविटी दिखाती कुक स्टूडियो ने इस बार वी ऑलरेडी नो दैट के कुक स्टूडियो नो बीट करना मतलब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पर इस बार तो इन्होंने कमाल करता है यार क्या इन्होंने दिल दी तार छू ली यार मेहमान वी ऑल आर गेस्ट आप सारे गेस्ट हैं यार इस धरती से इस प्लैनेट अर्थ से है ना चाहे हुण तुसी इहनू स्पिरिचुअल लैवल ते कंसीडर कर लो चाहे तुसी इहनू फिजिकल लैवल ते लै लो जो भी तुहाडा मन करदा तुसी रिलेट करके इस खूबसूरती नूं इमेजिन करके फील कर सकदे हो इट्स ए रियल ब्यूटी ऑफ कुक स्टूडियो इनसेन यार इनसेन मतलब मन जा भरिया आया सी थोड़ा जिहा अखां नम हो रहीआं सीगीआं क्योंकि ना इत्थे जिहड़ा एंड ते इन्हां ने दिखाया ना जिहड़ा एक लाइन है आई एम डैम श्योर कि कमेंट सैक्शन भर जूगा उस लाइन नाल कि हम ही तुम ही हो तुम्हें ही हो तुम्हें ही हम है मतलब इदा करके लाइन है कुछ ओ यार ये तो अपने जड़े भगत कबीर जी हो गए बाबा फरीद जी ठीक है जां होर भगत होए है जां गुरु ग्रंथ साहब विच बाणी दर्ज है दस गुरु साहबाना की जां कुरान पाक दे विच वेदां दे विच सारी कि आही गल्लां कीतियां गईआं ठीक है कि वो जी एनर्जी है ना उन्होंने तुम गॉड पार्टिकल कह दो साइंटिफिक लैंग्वेज के जो कुछ कह लो जी रिलीजन की लैंग्वेज में कह लो आप कहने ना कि हर बंद रब है हर एक चीज़ के रब आप कहने ना बस उ चीज़ है भी आप भी वह पार्ट ही हैं तो आ जड़े लोग आप देखे है कोई जंगल के जीव जंतु जानवर पशु पंछी उन्हों का भी बराबर अधिकार है यार अज फील हो रहा अज आ गाना देख के ना मतलब वो अंदरों फीलिंग आई कि यार आप सारे गैसट है ना यद मतलब ये नहीं कि अपने को एक ब्रेन अपना ब्रेन जरा डिवेलप हो गया ठीक है यदा साइज व्डा हो गया तो आप इंटैलीजेंट एक स्पीसीज बन गई ह्यूमन ठीक है तो अपने को ज़्यादा राइट्स हो गए इस प्लैनेट यूज़ कर जिन्हों को जिन्हों का दिमाग उन्ना डिवेलप नहीं होया जे बाकी जानवर है तो उन्होंने आप करते हैं उन्होंने उन्होंने हक नहीं देंगे है ना सो ये चीज़ा मतलब मैं फील हुई हैं इतने हुण देखो मैं रिलीजन के परसपैक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं बट मैं जस्ट सेइंग दैट ठीक है उस पर गाना बहुत सोहना सी वो जिहड़ा मुंडा सी वो जिहड़ी लैंग्वेज में गा रहा जिवें कोई पुरानी लैंग्वेज की गल कर रहे हैं वो बारे मैं पता तो नहीं लगा उन्होंने की गाया बट जिहड़ियां कुड़ियां ने गाया बहुत बहुत ही आला मतलब सिरा लग गया यार मतलब मेरे को सच्ची वर्ड्स है नहीं
एंड कुछ गल्लां है जिहड़ियां नहीं समझ लगियां है ना, तां मैजिकल जर्नी जरूर देखांगे आपां, तुहाडे नाल ही देखांगे, मैं भी देखूंगा, तुसीं भी देखियो। इट्स अ ब्यूटीफुल सोंग, मतलब टच कर रहा सी सिद्धा हार्ट नूं, एंड गूज़बम्स आ रहे सी। ते मैं लिटरली जेकर थोड़ा जिहा गाणा होर चलदा ना तां इत्थों दी हंजू इदां वहणे सीगे, आई डोंट नो, मैं इदां दा शायद तां करके, बट हो सकता तुहाडे नाल भी इह चीज़ एक्सपीरियंस होई होवे, जे होई है तां डू लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन बिलो। एंड ये सी अज दी इक वीडियो, होप सो तुहानूं चंगी लगी है, थोड़ा जिहा लेट सी, ओह क्यों सी ओह तुहानूं मैं दस्सिया। एंड बाकी आई डोंट नो, शायद मैं तां रिलेट कर पाया है ना, क्योंकि मैं हुणे हुणे साडे घरे वी इक नन्नी जान आई है, ते जदों आह चीज़ां मैं देखियां तां शायद ओह जिहड़े इमोशन सीगे, मे बी मैनू नहीं पता, तुसीं मैनूं थल्ले कमेंट करके दस्सो कि तुहाडी की फीलिंग सी। एंड मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब, अरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर जरूर कर ना बोल।